चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां नकल विरोध कानून के तहत जो है पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी में नकल विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सरकार भी अब जो है काफी स्ट्रिक्ट और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। काफी ज्यादा नकल विरोध को लेकर प्रदर्शन हमने देखा था बीते दिनों, छात्रों में गुस्सा देखा था, और उसी के तहत जो है सरकार ने एक्शन लेते हुए नकल विरोध कानून बनाया और उसका पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें पटवारी परीक्षा लीक होने की अफवाहों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीते दिनों आपने भी देखी तस्वीरें किस प्रकार जो है छात्रों और अधिकारियों के बीच झपट हुई थी, उसके बाद सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ा एक्शन सरकार यहां पर ले रही है। सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें फैला रहा है उसके खिलाफ भी अब इस कानून के तहत तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि दो लोगों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत अब तक मुकदमा दर्ज हो चुका है। मतलब सरकार का अब सीधा एक्शन मोड हमें दिखाई दे रहा है। जब आप जो भी इसमें जिसका भी नाम आता है, जो भी अफवाहें फैलाता है, उसके खिलाफ अब जो है नकल विरोधी कानून के तहत तुरंत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। देख सकते हैं आप तस्वीरों में पहला मामला यहां पर दर्ज हो गया है। दो लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें नकल विरोधी कानून के तहत ये FIR दर्ज की गई है। अब सोशल मीडिया पर भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी भी अब सरकार खैरियत नहीं बख्शेगी। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, नकल विरोध कानून के तहत पहला केस जो है दर्ज कर लिया गया है, कह सकते हैं कि अब सरकार एक्टिव मोड अलर्ट मोड पर आ गई और ग्राउंड लेवल पर अब एक्शन लिया जा रहा है। अवनीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, रश्मिता बोलिए। नकल विरोधी कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है, कह सकते हैं कि अब सरकार भी एक्टिव मोड पर आ गई और अलर्टनेस के साथ जो है अब ग्राउंड लेवल पर जो भी अफवाहें फैला रहा है या जो भी इस चीज से जुड़ा हुआ है उसकी अब खैर सरकार नहीं बख्शने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता, अगर बात करें जिस तरीके से अब सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिस तरीके से नकल विरोधी कानून के तहत जो है यहाँ पे मुकदमे की बात कही थी, सजा का प्रावधान था, उसको लेके अब लगातार जिस तरीके से देखा जाए, कल पटवारी परीक्षा हुई है, उसमें जिस तरीके की एक बात सामने आई थी कि जो किसी ने जो है अफवाह फैलाई थी, सोशल मीडिया पे जो है वो खबर को वायरल कर दिया था कि पेपर लीक हुआ है, इस तरीके की बात को लेके जिस तरीके का यह मामला आया था सामने, उसके हालांकि जो है जो मौके पे SDM वगैरह थे उन्होंने जांच भी की है और खुला जो है करके दिखाया कि ऐसा कुछ मामला नहीं था। तो इसके तहत जिस तरीके से फर्जी मुकदमा जो है वो जो फर्जी तरीके से जो वायरल किया गया, अफवाह फैलाई गई, उसके तहत पहला मुकदमा उत्तरकाशी के अंदर जो है वो कर दिया गया है। बाकायदा FIR हुई है, एक दो लोगों को जो है इसमें नामजद किया गया और बाकी अज्ञात के नाम पे भी जो है भर गया, बाकी उसकी पकड़ की बात की है। अब ये देखेंगे कि उसको क्या सजा मिलती है। जी बिल्कुल अवनीश, हमने पहले भी ऐसा देखा है कि कोई भी दंगा हो, कोई भी प्रदर्शन हो, तो उसमें अफवाहें जो है सोशल मीडिया के जरिए कई बार फैलाई जाती है, जो चीज नहीं भी होती है उस चीज को भी दिखाया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि सरकार ने भी अब चेतावनी दे दी है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को एक भड़काने का साधन मानते हैं और कुछ भी भड़कीले पोस्ट उसमें डालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अस्मिता, अगर कहना गलत नहीं होगा, पहले ही सरकार ने चेता दिया था कि इस मामले को लेकर किस तरीके से जो है तो अगर कोई भी जो है वायरल करेगा या किस तरीके की अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस पर सजा का भी प्रावधान था और जो जुर्माने की बात है वो 10 लाख तक के जुर्माने की बात थी। और ये कल जो पहली घटना हुई है इससे कहीं ना कहीं जो है आम जनमानस के मामले में जरूर पाए गए कि जो सरकार है वो कहीं भी जो है वो कोताही बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। अब इस तरीके से जो होगा ये पार्शियलिटी जो है यहाँ पे जो पहले आरोप लग रहा था उसको निष्पक्ष जो है यहाँ पे जो पेपर होगा वो निष्पक्ष होगा और आम जनमानस तक ये संदेश जरूर पहुंचेगा। जी, और ये दो लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इनकी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि कौन है ये और आखिर क्यों ने ये सब किया? ठीक है स्मिता, अभी यहाँ पर बात की है वो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस भी जो है वहाँ पे उसके घर पे भी पहुंची थी, वो वहाँ पे नहीं मुलाकात हो पाई है उनकी, वो पहले ही घर से जो उड़ के जा चुके थे और उनके नाम पे बाकायदा नाम दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेके अब कहीं ना कहीं धरपकड़ की बात जरूर होगी। और ये जो है ये सरकार का जो यहाँ पे रवैया दिखाया था वो कतई जो है यहाँ पर छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। जी
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से हमने बताई, जहां अब नकल विरोधी कानून के तहत सरकार भी एकदम एक्शन मोड पर आ गई है। अब सरकार का भी कहना है, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि अब सरकार ने पहले चेतावनी दे दी थी कि अगर जो भी लोग इसमें फर्जी तरीके से कुछ करेगा तो उनको नहीं बख्शा जाएगा, पर अब जब लोग नहीं माने, छात्र नहीं माने, तो सरकार को एक्शन मोड पर आना पड़ा और आज पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दो लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और चेतावनी भी मिल चुकी है उन लोगों को जो फेक न्यूज या झूठी अफवाह सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं।